नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं अडेनियम प्लांट के बारे में बात करूंगी। अडेनियम को डेजर्ट रोज के नाम से भी जाना जाता है। डेजर्ट रोज का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, रेगिस्तान का गुलाब जिसे कहते हैं। आज आप अडेनियम या डेजर्ट रोज जिसे कहते हैं उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगी। इसकी मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, इसमें फर्टिलाइजर क्या डालते हैं और इसे हम अपने घर में कैसे अच्छे से सर्वाइव करा पाएँ, इसकी की पूरी जानकारी मैं दूंगी। और अडेनियम प्लांट वैसे तो बहुत खूबसूरत होता है और जिसने इसकी मिट्टी को लगाना सीख लिया है, समझिए उसके यहाँ तो बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है। मिट्टी आपने लगाना अगर सीख लिया है तो ये प्लांट आपके यहाँ सालों साल चलेगा और इसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी। इसका कोडेक्स भी बहुत सुंदर होता है। इसके फ्लावर तो सुंदर होते ही हैं, पर मैं बताऊँ आपको कि इसके कोडेक्स भी बहुत सुंदर होता है। आप देख सकते हैं ये एकदम बोनजाई का लुक लेता हुआ रहता है। और आपको और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितना सुंदर इसका है। इसे ट्रे में लगा दिया जाएगा तो ये इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये भी देखिए, ये जो इसका कोडेक्स होता है यही ये बहुत सुंदर होता है और इसी की खूबसूरती को लोग लगाते हैं। ये प्लांट हरा भरा भी रहता है तो इसके कोडेक्स इतने प्यारे लगते हैं कि ये बोनजाई का लुक देते हैं। मेरे पास इस समय इसके 4 प्लांट हैं और एकाध प्लांट मेरे थोड़े ख़राब हो गए बारिश की वजह से, तो उन्हें मैं नहीं दिखा पाऊँगी। मिट्टी की बात मैं करती हूँ सबसे पहले कि इसकी मिट्टी पोरस मिट्टी की ज़रूरत होती है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि हम मिट्टी बनाते हैं, मतलब मेरा अपना जो मिट्टी बनाने का तरीका है, तो उसमें मैं एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा गार्डन सॉयल और एक हिस्सा खाद मिलाती हूँ। लेकिन इसका मिक्सचर हमेशा, इसका सॉयल मिक्सचर एकदम अलग रहता है। इससे चूँकि मैंने बताया कि ये डेजर्ट रोज है तो इसमें अगर हम इसमें जो रिवर सेंड होती है, जैसे जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है हमारे, हम लोग देखते हैं कि प्लास्टर होता है तो चाल करके बालू को छन्नी से छान करके और उसे उसका प्लास्टर होता है, तो जो छाना हुआ मैटर निकलता है तो उसको भी हम मिला सकते हैं इसमें, वो भी इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसे बहुत सारे लोग खंगर में भी लगाते हैं। ये दिल्ली साइड में मिलता है खंगर, लेकिन पौधे की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए तो मिट्टी ही सबसे बेस्ट है। हाँ, ये है कि इसको पोरस मिट्टी चाहिए तो आप पोरस मिट्टी ही बनाइए। और आप जैसा कि देख सकते हैं ये फ्लावर कितने सुंदर खिले हुए हैं और मैंने तो मिट्टी बालू और सेंड में ही लगाया हुआ है। इसमें देखिए, इसे मैं रीपॉट करने वाली थी, मैं एक पॉट लाई हूँ इसके लिए, क्योंकि इसको रूट ट्रेन किया था हमने पिछले साल ही इसको, तो अब ये रीपॉट करने के लायक हो गया है ये प्लांट। आप देखिए, ये मैं दिखाती हूँ, ये यहाँ से मैंने कट कर दिया था पिछले साल ही, तो इसमें देखिए ये साइड से ये रूट निकल आई है। और इसके नीचे जब मैं इसे रीपॉट करूँगी तो उसका भी वीडियो बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि इसके नीचे मैंने थर्माकोल का एक छोटा सा कटोरी जैसा ही छोटा गोल लगा दिया है ताकि इसके नीचे ना रूट आए, इसके साइड से ब्रांच रूट आएगी तो ये सुंदर दिखाई देगा। और इसे ट्रे में जब लगाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैं ट्रे भी लाई हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह का ट्रे लाई हूँ और ये बहुत ही सुंदर इसमें लगेगा। मैं लगाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इसकी मिट्टी की बात करते हैं कि ये इसमें कोई भी कीड़े नहीं लगते हैं और ये जब भी मरता है तो इसमें फंगस लगते हैं, ये जो रूट हैं इसमें फंगस लग जाता है। इसीलिए जब इसे रीपॉट करूँगी तो इसे पानी से धो करके देख लेते हैं कि इसमें कहीं कोई फंगस, जैसे ये है, ये यहाँ पे फंगस लगा हुआ था, इसे मैंने काट के निकाल दिया है। इसमें जो भी जिस चक्कू या प्रूनर का इस्तेमाल करें हम, उसको स्टेरिलाइज ज़रूर कर लेना चाहिए। आजकल तो सैनिटाइजर सबके घर में होता है तो ज़रूर एक बार सैनिटाइज करके और तभी प्रून करें, वरना फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। गुलाब में भी यही होता है कि हमने कटिंग की और फिर वो ख़राब हो जाता है, ऊपर से डाई बैक लग जाता है, तो उसमें यही दिक्कत आती है कि फंगस लग जाता है। तो हमें फंगस ना लगे इसके लिए जिससे भी हम कटिंग करें तो उसको स्टेरिलाइज कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आजकल तो सबके यहाँ सैनिटाइजर है तो सैनिटाइज कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी खाद की बात कर लेते हैं। इसमें कोई बहुत
जैसे अभी तो खाद देने की ज़रूरत नहीं है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, 15 अक्टूबर के बाद हम इसमें प्रूनिंग भी करते हैं। इसमें मैं ये प्रून करूँगी, ये वाले जो प्लांट हैं इनको प्रून करूँगी, तो उसका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगी, और इसे भी प्रून करूँगी क्योंकि इसमें अभी फ्लावर आ रहे हैं। हर गार्डनर ये सोचता है, इसीलिए फूल लगाता है कि उसके यहाँ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर हों। तो प्रून करने का टाइम तो इसका हो गया है, लेकिन चूंकि ये फ्लावरिंग पर है तो इसीलिए अभी मैं प्रून नहीं करूँगी। अभी ये पूरे, चूँकि बड इसमें और भी अभी आई हुई है, आप देख सकते हैं दो ये फूल खिले हुए हैं, एक ये फूल खिल के गिर चुका है, और कम से कम इसमें 4 से 5 कलियाँ अभी भी लगी हुई हैं। मैं दिखाती हूँ नज़दीक से, ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4 और एक इधर भी है, ये देखिए, ये छोटा सा 5 कलियाँ लगी हुई हैं अभी। तो ये पूरा खिल जाएगा तब मैं इस पर फिर इसको प्रून भी करूँगी, और इसको ये वाला जो ट्रे मैं लाई हूँ इसमें लगाऊँगी। खाद में इसमें अभी हमें कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनिक खाद में हम इसको नीम खली, सरसों की खली और वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद भी दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं देती हूँ क्योंकि उसमें फंगस का थोड़ा डर रहता है, और ये चूँकि पौधा ऐसा है कि इसमें फंगस लगने से ही ये ख़राब होता है, तो मैं नहीं देती हूँ। केमिकल फर्टिलाइज़र का भी मैं इस्तेमाल करती हूँ इसमें, तो इसमें पोटाश 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच DAP और 1/2 चम्मच सिंगल सुपर फास्फेट भी दे सकते हैं। फिलहाल अभी इसमें कुछ भी नहीं देना है, अभी बहुत है, तो एक मुट्ठी आप ऑर्गेनिक खाद कोई भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि ये समय जो है अब डोरमेंसी का पीरियड इसका चलेगा, अभी इसमें अब कोई फ्लावर नहीं आएंगे, अब ये लास्ट है इसका फ्लावर आने का, फिर फरवरी से इसमें फ्लावर आने स्टार्ट होते हैं, तो उससे पहले हम जनवरी में इसमें खाद देंगे और फरवरी में अच्छी ब्लूमिंग ले सकते हैं इसमें। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।